खबर राजधानी लखनऊ से है। एक ओर जहां भाजपा सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर गांधी प्रतिमा पर पीएसीएल संघर्ष समिति के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार खुद नहीं चाहती कि पीएसीएल कंपनी से निवेशकों का पैसा वापस मिले। भाजपा सरकार दोहरी रणनीति अपना रही है। वहीं भाजपा सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी गंभीर आरोप लगाए। जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर सैकड़ों की संख्या में पीएसीएल कंपनी में पैसा निवेश करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि उनकी जितनी भी जमा पूंजी थी वह कंपनी में है, जिसके चलते वह अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रही हैं। अगर कंपनी उनका पैसा समय रहते वापस नहीं करती तो वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार कंपनी और शासन प्रशासन के लोग होंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में अरुण जेटली पीएसीएल कंपनी के वकील थे और उन्होंने दो बार केस जीतकर निवेशकों में एक आशा की लहर पैदा की थी, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार केंद्र में आई वैसे ही अरुण जेटली ने अपना रंग बदल डाला। वहीं सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को 6 माह के अंदर निवेशकों का पैसा वापस करने की बात कही थी, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक कोई पैसा वापस नहीं मिला। वहीं सेबी में 2,00,000 करोड़ की 92 जनपदों से कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया, फिर भी सरकार निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर रही है। हमारा नाम राघवेंद्र वाजपेयी है। हम लोग पीएसीएल एक कंपनी थी जिसको भारत सरकार के 9 विभाग प्रत्यक्ष रूप से देखते थे और 9 विभाग अप्रत्यक्ष रूप से देखते थे। कहने का मतलब इनकम टैक्स विभाग जितने कर्मचारी वहाँ पर थे उनका टैक्स कटता था, जाता था, रिटर्न वापस आता था। हमारा रेवेन्यू विभाग, हम स्टैम्प पेपर खरीदते थे उस पर लिखा पढ़ी करके ग्राहक के साथ जमीन देते थे, उसका पैसा वापस करते थे। श्रम विभाग, हमारे पास 1 लाख से ऊपर कर्मचारी था भारतवर्ष में। यही विदेश मंत्री, यही जो हमारे वित्त मंत्री हैं माननीय अरुण जेटली साहब, ये 15 साल हमारी कंपनी के वकील रहे हैं। इन्होंने दो बार हाईकोर्ट में हमको मुकदमा जितवाया है कि हमारी पीएसीएल कंपनी चोर नहीं है, जनता का पैसा लेती है, जनता का पैसा वापस देती है। हमारी 5.5 साल, 6 साल, 7 साल की योजनाएं 4 बार जनता का पैसा कंपनी ने वाल लिया और वापस किया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जैसे ही जेटली साहब की सरकार बनी, एक धुआं सा पूरे देश में छाने लगा कि भारत का पैसा खाओ, भारत का पैसा खाओ। और उसी नियम के तहत इन्होंने 50,000 करोड़ की कंपनी को मालूम नहीं कौन सा कानून बना